है एवरीवन, आज हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे चावल का ढोकला। तो चावल का ढोकला बनाने के लिए हम 2 कटोरी चावल लिए हैं। करीब 1 कटोरी जो है 250 ग्राम का है, तो यहाँ पे 1/2 किलो चावल लिए हैं और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम जो है चना की दाल है, करीब 200 ग्राम दाल। और यहाँ पे हम इसी कटोरी से करीब 100 ग्राम जो है उड़द के दाल ले लेंगे, बिना छिलका छिलके वाली उड़द का दाल। तो चलिए सभी दाल को एक साथ अच्छे से धो लेते हैं, करीब 3-4-5 पानी से, जब तक उसका पाउडर ना निकल जाए। देखिए दाल बिल्कुल एकदम साफ है, हम 5-6 पानी धो लिए हैं। अब 7वां पानी में करीब 4-5 घंटे के लिए भिगा लिए थे, तो दाल अच्छे से भीग गया था। तो हम उसका पेस्ट बना लिए, बैटर बना लिए हैं, ढोकला का जो बटर रहता है ना वो, इसको बिल्कुल एकदम बारीक नहीं पीसे थे, दरदरा था। और सुबह मॉर्निंग में देख रहे अच्छा से खमीर उठ गया है, परमानेंट हो गया है हमारा ढोकला का बैटर बिल्कुल इसी तरीके से। और इसको अच्छे से हम क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में 1-2-3 मिनट के लिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। और इसमें 1 टीस्पून अदरक पेस्ट और 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डाल लेंगे और उसको भी अच्छे से मिला देंगे। गैस पर कढ़ाई हम चढ़ा दिए हैं, पानी बिल्कुल गर्म हो गया है। तो तुरंत हम क्या किए, थाली में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके थाली को डायरेक्ट हम कढ़ाई में रख दिए थे और उसमें हम बैटर को इस तरीके से डाल लेंगे। और डालने के बाद थोड़ा सा चम्मच से क्या करूँगी, उसको बराबर तरीके से उसको बराबर समान कर लेती हूँ, एक समान। और उसको हम लीड से ढक देंगे, और लीड से ढक देंगे लेकिन उसमें हम एक कपड़ा कॉटन का, बिल्कुल कॉटन कपड़ा हम डाल देंगे। उससे क्या होगा, जो भाप निकलेगा ना वो डायरेक्ट ढोकला में नहीं जाएगा, कपड़ा जो लगाए हैं उसमें पानी जो है अब्जॉर्ब कर लेगा। तो चलिए हम मीठा चटनी बना लेते हैं ढोकला के लिए। तो यहाँ पे हम गुड़ लिए हैं, करीब 250 ग्राम गुड़, और उसको हम अच्छे से पानी में घोल लेते हैं ताकि उसमें कभी कभी क्या है तो हल्का सा रेशा रह जाता है शुगर कॉर्न को, तो वो छानने से निकल जाएगा। तो बाउल को मैं इस चढ़ा दी हूँ उसमें, क्योंकि मैं चटनी बनाना है तो, और छन्नी से बिल्कुल छान लेती हूँ, जो भी कचड़ा वगैरह रहता है ना वो निकल जाएगा। और इसको अच्छे से हम खौला देंगे तब तक चटनी जो है थिक सा ना बन जाए। तो चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं हमारा जो ढोकला है 20 मिनट के बाद, तो थोड़ा से मुझे गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर, बीच में पानी जो इकट्ठा हो गया है, पका नहीं है लेकिन साइड जरूर पक गया, देखिए चिपक गया है। क्योंकि उसको ऊपर आने के लिए जब ढोकला बनता है ना तो ऊपर उड़ता है, तो उसको भरपूर स्पेस चाहिए रहता है, तो वो नहीं मिला। तो मैं क्या की, उसके जगह में थाली जो थोड़ा सा गहरा थाली को ढक दी, थोड़ा सा हल्का सा स्पेस दे के, ताकि एक्स्ट्रा जो भाप है वो बिल्कुल निकल जाए। और चटनी के लिए हम यहाँ पर 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे और 1 टीस्पून नमक, नॉर्मल नमक, और 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च, 1 टीस्पून काला नमक डाल देते हैं। और इस तरह से अच्छे से इसको और पका देंगे। चाहे तो आप इसमें और जीरा पाउडर है हो गया, धनिया पाउडर, जो भी डालना है आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आज बिल्कुल सिंपल तरीके से बना लूँगी, बस मीठी होना चाहिए, मीठी की चटनी जो है ना। तो चलिए हम देखते हैं हमारा ढोकला, करीब करीब 25 मिनट हो गया है, तो ढोकला जो है बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। टूथपिक से हम चेक कर लेते हैं तो ये बिल्कुल रेडी है, इसको निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर सेकंड थाली डाल देती हूँ। छोटा वाली थाली ले ली हूँ यहाँ पे, हल्का सा उसमें ऑयल डाल दी हूँ, लगा ली हूँ, उसमें बैटर जो है उसको फिर से डाल देती हूँ, थोड़ा सा चम्मच के से मिला देंगे और 20 मिनट में, बिल्कुल 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। और गैस फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे, इसको भी कवर कर देती हूँ थाली से और हल्का सा स्पेस में छोड़ दूँगी ताकि जो भाप वो निकल जाए। और चटनी को देखते हैं, चटनी अभी हमारा एकदम बिल्कुल पक चुका है, यहाँ बन के रेडी हो गया है। तो चलो गैस बंद कर देते हैं और फिर साइड रख देते हैं। अब हमारा ढोकला बिल्कुल यहाँ पे बन के रेडी हो गया है, तो उसको कट कर लेती हूँ मैं, कि हमारा इंस्टेंट जो है चना दाल का और चावल का ढोकला बिल्कुल रेडी है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा हरा धनिया से डाल लेती हूँ और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा
छिड़क दूंगी। चाहे तो आप जब तड़का लगाएंगे ना उस समय तड़का में आप लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो चलिए तड़का लगाने के लिए तड़का पैन डाल दी हूँ। तेल गर्म हो गया तो यहाँ राई डाल देंगे और इसमें कुछ 6-7 करी यूँ डाल देते हैं। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हल्का सा ब्राउन, तो ढोकला में इसको फैला देते हैं। अच्छे से फैला देंगे ताकि जब भी ढोकला खाएं तो उसका स्वाद हमें अच्छा लगे, है ना। तो इस तरीके से पूरा फैला दिए हैं। चलो प्लेट लगा लेते हैं सर्व करने के लिए। हमारा ढोकला बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बना था, बिल्कुल टेस्टी। तो आप ज़रूर एक बार बनाइए। तो ढोकले के ऊपर हम सबसे पहले यहाँ इसमें हम डाल देंगे दही। दही के बाद हम इसमें डाल देंगे अच्छे से चटनी, ग्रीन चटनी जो बना के रखी थी घर पर। और हम इसमें डाल देंगे मीठी चटनी और ऊपर से थोड़ा सा हम बारीक सेव डाल देंगे। तो हमारा ढोकला, इंस्टेंट ढोकला, चावल की ढोकला बिल्कुल रेडी है। एक तो इस तरीके से हम सजा लिए, एक प्लेट और लगा लेते हैं। तो दूसरी प्लेट हम लगा लेते हैं और इसमें कुछ ढोकला डाल लेंगे इस तरीके से। और आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए यह ढोकला को, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना था और साथ में हेल्दी भी रहता। चावल का ढोकला जो है, यहाँ पे दही डाल देते हैं करीब 2 चम्मच अच्छा भर के, और यहाँ पे मीठी चटनी डाल लेंगे और हरी चटनी डाल देते हैं जो पहले से हम बना के रखे थे। तो चटनी भी डाल लिए और इसमें हम डाल वेज सलाद डाल देंगे जिसको हम बिल्कुल फाइन चॉप कर लिए हैं। इसमें क्या है, बीट रूट है, प्याज, पत्ता गोभी और हरी मिर्ची। तो हम इसको इस तरीके से सर्व कर लेंगे। बहुत यम्मी और टेस्टी लगता है। आप एक बार इस तरीके से सजा कर भी खा सकते हैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।